हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एमएस एक्सेल। ये हमारा एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल है। इसके पहले हमने बहुत सारे एमएस एक्सेल पे वीडियोस बनाए हैं, उसकी थ्योरी पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस जाके जरूर देख लें। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरिंग टेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, इंटरिंग टेक्स्ट कॉमा नंबर कॉमा डेट एंड टाइम इन वर्क सीट। जो हमारी वर्कशीट होती है, उसमें हम किसी टेक्स्ट को या नंबर को या डेट और टाइम को कैसे रखते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या। आइए देखिए, इंटरिंग टेक्स्ट, पहले हमें समझना है एंटरिंग टेक्स्ट या एंटरिंग टेक्स्ट है क्या। देखिए, किसी सेल में रखे गए टेक्स्ट डाटा को यहाँ पे बताया जा रहा, किसी सेल में। हमने आपको सेल के बारे में बताया कि सेल क्या होती है, हमने आपको बताया कि रो तथा कॉलम के कटान बिंदुओं को सेल कहते हैं। तो देखिए, किसी सेल में रखे गए टेक्स्ट डाटा को प्रायः लेवल कहा जाता है, लेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबल कहा जाता है। किसी सेल में रखे गए टेक्स्ट डाटा को प्रायः लेबल कहा जाता है। यह प्रायः अन्य सेलों में भरे गए डाटा को पहचानने के काम आता है। यहाँ पे बताया जा रहा है इंटरिंग टेक्स्ट पे, जैसे हम किसी सेल पे कोई डाटा रखते हैं, टेक्स्ट डाटा की बात की जा रही। जैसे किसी सेल में हम टेक्स्ट डाटा, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट डाटा को रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेबल कहलाता है। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, तो आप हमारी नोट्स को सही से जरूर, लेक्चर्स को सही से जरूर देख लें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं उसे, लेबल कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है किसी भी एग्जाम पे, जिसमें हमारे स्प्रेडशीट का चैप्टर होगा, उसमें आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसी टेक्स्ट सेल के अंदर रखा डाटा क्या कहलाता है। तो हमें बताना है क्या, लेबल कहलाता है। यह प्रायः अन्य सेलों में भरे गए डाटा को पहचानने के काम आता है। यह बताया जा रहा, यह प्रायः जो हमारे अन्य सेलों पे भरे गए डाटा को पहचानने के काम आता है। जैसे कॉलम का शीर्षक, जैसे बताया जा रहा कॉलम का शीर्षक। अब देखिए, हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं इसका। हमें ओपन करना अपना एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। उसके लिए हमें विंडो प्लस आर शॉर्टकट यूज करना, हमने आपको पहले बताया था कैसे ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सेल टाइप करना और एंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल सीट ओपन हो चुका है, एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना, हम इसे कर रहे हैं जूम। अब बताया गया कि किसी सेल के अंदर, ये जैसे हमारी एक्सेल है, अब ये एक हमारी सेल है। जैसे हम किसी सेल के अंदर क्या रख दें, कोई टेक्स्ट डाटा को रख दें। जैसे हम यहाँ पे अपने चैनल का नेम रख रहे हैं, हमने यहाँ पर डाल दिया लर्न कंप्यूटर आईटी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इस सेल पे जो टेक्स्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। लेबल क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है इंटरिंग द नंबर्स। इंटरिंग द नंबर्स, अब जैसे हम किसी सेल में नंबर्स को रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? देखिए, स्प्रेडशीट के सेलों में प्रविष्ट, प्रविष्ट होता रखना, प्रविष्ट किए गए किसी नंबर को वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैल्यू कहा जाता है। देखिए, स्प्रेडशीट के सेलों में जो हमारी सेल होती है, उसमें प्रविष्ट किए गए किसी नंबर को, जो कोई नंबर रखा हो, उसे क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे स्प्रेडशीट में हम क्या कहते हैं, जब कोई किसी सेल में कोई नंबर रखा होता है, तो उसे हम कहते हैं वैल्यू। नेक्स्ट, किसी सेल में कोई वैल्यू इंटर करने से पहले उस सेल को एक्टिव किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा, किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू रखने के लिए उस सेल को सबसे पहले एक्टिव किया जाता है। अब हमें सेल में नंबर्स रखने हो, किसी प्रकार का टेक्स्ट डाटा रखना हो, कुछ भी रखना हो, तो हमें उसको एक्टिव करना पड़ेगा। अब हम एक्टिव कैसे करते हैं, देखिए, एक्टिव करने के लिए हमें करना क्या, जिस सेल पे हमें कंटेंट रखने, उस सेल पे सिंपली एक बार
क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सेल एक्टिव हो चुकी है। अगर जैसे हमें ये H4 को एक्टिव करना हो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सिंपल सा क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये सेल एक्टिव हो चुकी है। इसे ही ऐसे ही एक्टिव करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो किस जैसे कोई नंबर रखा होता है किसी सेल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट में वैल्यू कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर रख दें, ये जैसे ये हम नंबर्स रख दिए, ये हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। क्या वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इंटरिंग डेट एंड टाइम, इंटरिंग डेट एंड टाइम, देखें इंटरिंग डेट एंड टाइम में क्या है, वास्तविक डेट या टाइम को देखने के लिए यूजर को सेल डेट या टाइम फॉर्मेट करना पड़ता है। अब जैसे बताया जा रहा अपने सिस्टम स्प्रेडशीट के जो सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर है, अपने वर्कशीट पे अगर हमें डेट और टाइम, करंट डेट और टाइम लाना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पे कुछ बताया जा रहा फॉर्मेट करना होता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। तो हम इसको कैसे ला सकते हैं, हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे ला सकते हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे ला सकते हैं अपने वर्कशीट में करंट डेट और टाइम। इसके लिए एक फार्मूला होता है इक्वल, यहाँ पे लगाना है नाउ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डेट और टाइम आ चुका है हमारे सिस्टम पे। ये हमारा शॉर्टकट तरीका था, एक फार्मूले के माध्यम से हमने ये डेट और टाइम निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डेट और टाइम यहाँ पे है हमारे नोटिफिकेशन एरिया पे, वही डेट और टाइम यहाँ पे भी है। करेंट डेट और टाइम हमारा आ चुका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके ऊपर हमने बहुत सारी चीजें और बताई हैं, जैसे वर्कबुक को सेव करना और कैसे प्रिंट करते हैं इस वर्कबुक को, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं हमारे। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे स्टार्टिंग से तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं वो वीडियोस। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा इंसर्टिंग रोज, रो हमें इंसर्ट करनी हो तो क्या करना होगा, रो। अब जैसे हमें रो इंसर्ट करनी है, अब जैसे दिखा दें कैसे इंसर्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने डाटा कर लिया, यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। ये आ गया हमारा डाटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे दो हमने रख दिया, पहले पे 4 पे है हमारी 4 रो पे लर्न कंप्यूटर आईटी, और 5 पे है क्या डेट और टाइम। अब जैसे हम इस नंबर को भी यहीं पे रख दें, ये हमने रख दिया नंबर। अब देखिए अब कभी हमें क्या करना पड़े, हमारे पास बहुत सारा डाटा हो, अब कोई कह दे कि हमें एक रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करनी है, तो देखिए क्या करेंगे। पहले इंसर्टिंग रोज, पहले हम रो को इंसर्ट करना सीखते हैं, फिर कॉलम को इंसर्ट करना सीख लेंगे। देखिए वर्कशीट में किसी भी स्थान पर न्यू रो इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे बताया जा रहा जैसे वर्कशीट में हमें किसी भी स्थान पर न्यू रो इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो उस पूरी रो को सेलेक्ट कर लें, उस पूरी रो को हमें सेलेक्ट करना। उस पूरी रो को सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए उस पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए करना है क्या, जैसे हमें 5 को सेलेक्ट करना, तो जो हमारा कर्सर होगा इसे लाना हमें रो की संख्या के ऊपर। जैसे 5 को हमें सेलेक्ट करना, तो 5 के ऊपर हमें अपना कर्सर लाना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, एक क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी हमारी रो सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रो के ऊपर माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे तो उसमें एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे अब बताया जा रहा कि सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें माउस की राइट बटन अपने कर्सर को उसी रो के ऊपर रखना है और माउस की राइट बटन क्लिक करना है, जिससे क्या होगा एक लिस्ट ओपन होगा, एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा। अब आगे देखते हैं, उसमें से इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा कि उसमें क्या करना है, फिर उसमें इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्या होगा हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं होती है नहीं।
हमने किया यहाँ पे सेलेक्ट नेक्स्ट, हमने कर्सर को उसी के ऊपर रखा, नेक्स्ट राइट बटन क्लिक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक मेन्यू ड्रॉप डाउन ओपन हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद हमें इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है, नई रो इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अभी हमने एक इंसर्ट किया, आपको कई सारी इंसर्ट करनी है तो क्या करना है, हमें उतनी सेलेक्ट कर लेनी जितनी हमें इंसर्ट करनी है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे हमने एक को सेलेक्ट किया था वैसे ही सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने एक को सेलेक्ट किया था, एक पे क्लिक कर दिया था, सेलेक्ट हो गया था। इसके लिए क्या करना, माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करे रहना और ड्रैग कर देना जितनी चाहिए। जैसे हमें तीन और चाहिए तो क्या करना, फिर तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर किसी जो हमने सेलेक्ट किया है उन्हीं के किसी के ऊपर हमें अपने कर्सर को रखना है, उसके बाद राइट बटन क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन हमारी और इंसर्ट हो गई, एक हमारी पहले से थी, चार हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप आपको रो इंसर्ट करना शायद समझ में आ गया हो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मिल सके हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए हमने यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से भी समझा रखा है कि आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम को। हमने यहाँ पे बताया कि रो इस तरह इंसर्ट होती है, अब देखते हैं कॉलम किस तरह इंसर्ट होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंसर्टिंग कॉलम। अब देखिए हमें जैसे वर्कशीट में क्या करना हो, कॉलम इंसर्ट करना हो कोई, तो क्या करेंगे, कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। देखिए कैसे वर्कशीट में किसी भी स्थान पर न्यू कॉलम इंसर्ट करना है तो उस पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लें। क्या करना है, जैसे हमें वर्कशीट में किसी भी खाली स्थान पर या भरे स्थान पर हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या करना है, जितने कॉलम या रो इंसर्ट करने, जैसे हमें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने, तो जितने कॉलम हमें इंसर्ट करने उतने कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट कॉलम के ऊपर माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो कर्सर होगा उसे हमें जो कॉलम नेम होता है, कॉलम बॉक्स जहां पे कॉलम का नेम दिया रहता है उसी के ऊपर रखना और राइट बटन क्लिक कर देना। उसके बाद हमारे सामने एक विंडो खुलेगी, उसमें क्या होगा, तो उसमें एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें से इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। सेम प्रोसेस है कॉलम इंसर्ट करने का भी, देखिए कैसे होती कॉलम इंसर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इमेज के माध्यम से भी आपको बताया है, ये नोट्स हमने अपने हाथों से खुद ही बनाई है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं कैसे इंसर्ट होगी। अब जैसे हमारा ये डाटा रखा है, हम पहले इसको सेट कर लें, जैसे इसको यहाँ पे कर लिया, नेक्स्ट इसको यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे हमें क्या करना है, हमें एक कॉलम यहाँ पे चाहिए, कॉलम क्या करेंगे, हमें एक कॉलम चाहिए, हमने किया सेलेक्ट एक कॉलम को, उसके बाद राइट बटन क्लिक करेंगे और बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन होगा, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉलम हमारी इंसर्ट हो चुकी है, सिंपली ये कॉलम हमारी इंसर्ट हो चुकी है। आई होप आपको कॉलम और रो इंसर्ट करना समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक नहीं शेयर किया तो जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी देख सके हमारे वीडियोस, और हिंदी में एक्सेल या पावर पॉइंट कुछ भी जितने भी हमारे कंप्यूटर के चैप्टर्स होते हैं इन सभी को हिंदी में पढ़ सके। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।